रेलवे से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें से एक ये है लॉकडाउन के बाद अब क्या हुआ है कि जो ट्रेनें चलना स्टार्ट हो गई हैं उनमें किस तरीके से आप कंफर्म टिकट पा सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारतीय रेलवे ने जो ट्रेन चलने के साथ साथ जो करंट टिकट बुकिंग भी है वो भी शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर आपको अचानक से यात्रा करनी है और आपको ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिलता है तो आप करंट बुकिंग कंफर्म टिकट ले सकते हैं। दरअसल जब यात्रा अपनी टिकट कैंसिल कराते हैं तो यह कोटे के तहत आप आरक्षित सीटों के चलने के पहले तक बुक नहीं होती है, तो उन सीटों पे करंट बुकिंग के तहत टिकट लिया जा सकता है। ट्रेन चार्ज बनने के बाद सीटें खाली रह जाने पर यात्री इन खाली सीटों की बुकिंग भी करा सकते हैं। यात्री करंट बुकिंग के तहत ऑनलाइन या स्टेशन पर करंट काउंटर पर जाकर ये बुक करा सकते हैं। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको विंडो पे ही जाना पड़ेगा, अगर आप ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। और तत्काल सेवा भी अब शुरू हो गई है, अगर आप तत्काल टिकट भी बुक करना चाहते हैं तो तत्काल टिकट भी आप बुक कर सकते हैं। 30 जून 2020 और उसके बाद लिए के लिए जो है शुरू कर दी गई है। ट्रेन के रिजर्वेशन चार्ट इस समय फाइनल हो जाएंगे। ट्रेन का पहला चार्ट ट्रेन चलने के समय से 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा, दूसरा 2 घंटे पहले, तीसरा 30 मिनट पहले फाइनल चार्ट दिया जाएगा। सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी, केवल बिना रोग लक्षण वाले यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने दिया जाएगा। रेलवे की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं तो आपको स्टेशन परिसर में अजमेरी गेट और पहाड़गंज दोनों साइड से स्टेशन में एंट्री मिल सकेगी। वहीं इस स्टेशन से आप दोनों ही गेट के बाहर निकल पाएंगे, लेकिन अगर आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ना चाहते हैं तो आपको ट्रेन आने वाली है तो आप सिर्फ चांदनी चौक साइड वाले गेट से ही एंट्री एग्जिट कर पाएंगे। इसी तरह हजरत निजामुद्दीन पे भी रेलवे स्टेशन पर यात्री सिर्फ भोगल साइड वाले गेट से ही एंट्री एग्जिट कर पाएंगे। स्टेशन परिसर में सिर्फ उन यात्रियों को ही एंट्री दी जाएगी जिनके पास कंफर्म टिकट या आरएसी टिकट होगा। जिन यात्रियों के पास वेटिंग या फिर रेलवे स्टेशन में दाखिल नहीं हो पाएंगे वहीं स्टेशन पर आपको प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा। रेलवे अनारक्षित टिकटों की बुकिंग फिलहाल बंद है। ये भी एक चीज़, अगर आप किसी को लेने गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप प्लेटफॉर्म टिकट के अंदर घुस पाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा। IRCTC ने ट्रेन में टिकट बुकिंग कराने वाले सभी यात्रियों को मैसेज भेजकर बताया जा रहा है कि ट्रेन में यात्रियों को ट्रेन में खाना नहीं दिया जाएगा, इसकी सुविधा आपको खुद करनी पड़ेगी, चादर कंबल तकिया नहीं मिलेगा। तो ये है कुछ जानकारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, मेरे समझ से आप सबको इसको जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मेरे एक नए व्यूवर हैं, अगर आप मेरे चैनल सीधी बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए।